नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज़ इंडिया में। एक ऐसा आस्था का दरबार जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाखों करोड़ों की तादाद में दरबार पर पहुंचते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजमेर शरीफ की, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह है। और एक न्यूज़ एंकर अमित देवगन ने जो अवैध भाषा का प्रयोग जो किया है उन पर टिप्पणी डिबेट के दौरान की थी, उनको लेकर आज देश नहीं बल्कि दुनिया में ही उबाल पैदा है। इसी के चलते आज हम बात करते हैं एडवोकेट शारिक खान से, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस पर। शारिक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी। जैसा कि अमित देवगन ने जो डिबेट के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर जो अभद्र भाषा की है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही अफसोस की और निंदा की बात है। और लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ पत्रकारिता और उसके एंकर और एक बड़े टीवी चैनल पे आने वाले अमीश देवगन जी ने, जो ऐसे सूफी संत जिनके यहाँ कोई मुराद ये देख के कभी पूरी नहीं की जाती है कि ये किस धर्म का आदमी यहाँ मुराद मांगने के लिए आया है, वो जो मांगा वहाँ, जो उस दरबार पे गया उसने जो मांगा उसको ख्वाजा गरीब नवाज ने उससे नवाजा। मैं वहाँ जाता हूँ अजमेर शरीफ में, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग वहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा से, अपने अकीदत से वहाँ सिर झुकाते हैं, वहाँ चादर पोशी करते हैं। और आप लोग भी देखते होंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर की वहाँ चादर पहुँचती है। तो इतने पहुँचे हुए, इतने पाए के बुज़ुर्ग के, जिसके साथ में लाखों करोड़ों लोगों की, देश विदेश के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उनके बारे में इतनी, मैं अपनी ज़बान से कहना भी नहीं चाहता, इतनी ख़राब टिप्पणी करना ये निंदा का और अफसोस का विषय है। जैसा कि अमित जी ने माफ़ी भी मांगी है, तो क्या लगता है देश में उनके खिलाफ कई जगह FIR भी हो चुकी हैं? देखिए, माफ़ी जब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो हमारे लोकतंत्र में, संविधान में IPC के अंतर्गत उनके खिलाफ ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक ऐसी उन्होंने घटिया टिप्पणी कर दी जिससे कि एक FIR, एक नहीं हज़ारों FIRें दर्ज हो चुकी हैं, तो अब उनका उसी चैनल के माध्यम से कोई माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं है। उनकी इस करे हुए काम के लिए उनकी गिरफ्तारी होगी, या वो अपनी बेल कराएंगे, या वो उस FIR के अगेंस्ट कहीं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट करेंगे, तब कहीं जाके उनका छुटकारा हो सकता है। मात्र वीडियो बना के और वो सोशल कर देना, ये उनके जुर्म की सज़ा नहीं है। उनको, उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है जिसके लिए उन्हें इस देश के संविधान के अनुसार न्यायालय में जाना होगा और अपने इस जुर्म के लिए उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया अपनानी होगी। इस तरह की गंदी सोच रखने वाले लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ऐसे परिवार में मैंने पैदाइश ली है जहां मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हमारे यहाँ सभी लोगों का आना जाना है और हमारा सबके आना जाना है। और हमारा देश, हमारे भारत की संस्कृति ही ऐसी है, हमारे यहाँ हम सब लोग आपस में भाईचारे रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे हर धर्म का आदमी अपनी आस्था के साथ जाता है, मेरे साथ मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त जाते हैं। तो इस देश की संस्कृति पे वार है ये, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इस पूरे देश के जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हों कि इस तरीके के घटिया लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, जो हम लोगों के बीच एकता बनाने की बजाय वो हम लोगों में बिखराव की और हम लोगों में एक दूसरे के खिलाफ धार्मिक रूप से अलग करने का एक ऐसा बीज बो रहे हैं। इन लोगों के बहिष्कार हो और इनके खिलाफ निंदा और अफसोस की बात जाहिर की जाए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शारिक खान, और इन्होंने अपने विचार रखे। इस तरह के हम आपको आगे भी अपडेट दिखाते रहेंगे। बने रहिए एवन न्यूज इंडिया के साथ। परवेज अंसारी की रिपोर्ट।